सी ब्राइट वाले टोन से आप इसके ब्राइट बॉर्डर बना दोगे, बाउंड्री बना दोगे और इसको भी हल्के हल्के से इसमें मर्ज करते चले जाओगे, क्योंकि आपने ब्रिंजल देखा होगा वो हमेशा पर्पल के तीन चार टोन से मिला हुआ होता है। तो इसकी आउटलाइन जो आप करोगे वो पर्पल को मिक्स करते हुए करोगे, ऐसे आउटलाइन नहीं दिखेगी। नेक्स्ट आप बनाओगे इसके ऊपर का ग्रीन पार्ट, उसके लिए आप लोगे लाइट ग्रीन कलर और लेमन येलो कलर। सो फॉलो आप लोगे लेमन कलर को आप पूरे बेस के ऊपर कर दोगे। अरे यार वापस यहाँ के खो खो करना चालू करते हैं। इस लेमन येलो के ऊपर आप धीरे धीरे से ग्रीन कलर मर्ज करना चालू करोगे। इसके बाद उसको ड्राई दे होने दोगे और फिर इसकी डार्क ग्रीन से डिटेलिंग निकालोगे। एट लास्ट में हल्का सा व्हाइट का टोन दो स्ट्रोक्स का।
In this way, your brinjal is completed. Our next drawing is tomato. इसमें आप क्या करोगे, रेड कलर में बहुत हल्का सा पिंच येलो कलर मिक्स करोगे, बहुत एक पिंच रहेगा बस येलो कलर का. तरीके से और फिर आप इसको यहां से हल्का सा लाइट करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे कलर को. अब थोड़ा सा वाटर की हेल्प से मर्ज करते जाओगे ताकि ये कहीं से लाइट और डार्क टोन हो जाए. उसके बाद फ्रॉम द टॉप अब बस हल्का सा लेमन येलो कलर लेके इसको मर्ज करोगे. इस तरीके से आप इसमें बेस रोक दोगे. आफ्टर डेट आप इसको सूखने के लिए छोड़ोगे और ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट करोगे. ग्रीन करते हुए आप इसको बाद में हल्का सा येलो से मर्ज करते जाओगे. येलो से मर्ज करके हल्का सा आप इसमें व्हाइट टोन डालोगे. एक बार आपका व्हाइट टोन से कंप्लीट हो जाएगा देन आप इसमें वापस डार्क ग्रीन का टोन डालोगे. एक कलर एडिशनल और चाहिए, वो है ब्राउन कलर, क्योंकि आप जो टमाटो में ऊपर का पार्ट है उसको आप जहां से डार्क पार्ट निकालोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक पिंच ब्राउन कलर चाहिए. क्योंकि आप इसमें ब्राउन लोगे तो उसमें डार्क टोन भी आएगा, लेमन येलो से ब्राइट कलर भी आएगा, तो आपका डेप्थ का एक्चुअल शेड निकल के आ जाएगा.
इसके सेंटर पार्ट में आपको उसको लाइट टोन देना है। मैंने आपको जो पहले पेजेस सिखाए थे वो आपको लाइट टोन से डार्क टोन में जाने के सिखाए थे, इस बार मैंने आपको डार्क टोन से लाइट टोन में जाने। इतना जो आप व्हाइट पेज देख रहे हो उसके अंदर अभी पेज बना दोगे, 2 मिनट बाद वो व्हाइट पेज आपका ड्राई हो जाएगा, और जब ड्राई हो जाएगा तो आप उसको धीरे धीरे मैच कर दोगे। इन दिस वे योर टोमेटो इज कंप्लीटेड।